Good morning, darling. Good morning, darling. वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? मुझे तुम्हें देखने का मन था, और उसके अलावा हमेशा तुम मेरे लिए चाय लाती हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं आई, आपने मुझे देखा, हाँ? अब मैं चलती हूँ। रुको 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 रुको, कल रात घर पे क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, बताओ मुझे। नहीं, वो मैंने मैनेज कर लिया। हाँ? पर मैंने ऐसा सुना कि यहाँ सब हमारे बारे में चुगली कर रहे थे, हमारे बारे में बातें बना रहे थे। क्या कह रही हो, सच में? वो सब कह रहे थे कि हम साथ में हैं, और आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ। अच्छा, तो हम प्यार में उसमें गलत क्या है, प्लीज बताओ। मतलब आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ? नहीं सनम, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुम काफी क्रिएटिव हो और तुमने प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाला, इसलिए। हम प्यार में हैं, ये बात अब ऑफिस में आग की तरह फैल रही है। ठीक है, तो चलो हम ही कह देते कि हम प्यार में। ऑल राइट, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं, क्लियर कर देते ना बात, ताकि कोई ऑकवर्डनेस ना हो हमारे बीच। तुम स्क्रिप्ट राइटर हो क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है, तो सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। चलो। नहीं नहीं, क्यों? ऐसे तो ये बात उनके लिए और भी पक्की हो जाएगी कि हम प्यार में हैं, इसलिए मैं स्क्रिप्ट राइटर बनी। फिर हम क्या करेंगे बताओ? पहले मुझे खुद ये बात प्रूव करनी है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, और मेरी मॉम भी ये बात नहीं जानती, और जब तक मेरी मॉम को ये बात नहीं पता चलती, हम कहीं नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम कहो। अब जब सब पहले जैसा हो गया, तो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बनाई हुई चाय पीता हूँ। ये तुम्हारे जैसी है, एकदम वार्म, सॉफ्ट, और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। एक काम करते हैं। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, यू नो, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन कहाँ? तुम परेशान नजर आ रही हो, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है ठीक है, वो कह रहे हैं बाहर जाओ, मैं चली जाऊंगी, पर ये एक ऑर्डर जैसा लग रहा है। मेरी मैफ की बे, तुम्हें क्या हो गया है? शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है बेटा, मुझे भी बता दो। मेरी प्यारी सासू माँ, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो ना, ये गलत बात है। मिस्टर निहाद भी कभी ऐसे ही थे, और वो मरते मरते बचे हैं। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता तो वो आज हमारे बीच नहीं होते, पता है आपको। हे ऊपर वाले, तुम ये क्या कह रहे हो मुजफ्फर? जिंदगी कैसे पलों में ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ओ मेली हाथ, तुम अपना मुंह बंद नहीं रखती ना, तुम्हारी वजह से ही सारे चुगली कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया महफकिबे, सच में ये तो सब इसकी माँ ने किया है। मेरी महफकिबे, यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ आता, हर बात पर आप सब मॉम के ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हैं? हमेशा उनका ही कसूर क्यों होता है? चोरी चोर ने की है कि नहीं? लेकिन चाहे जो हो जाए, इल्जाम मेरी मॉम पर आता है। कौन सा चोर, ये तुम क्या बात कर रहे हो? दिल चुराने वाला, दिल चोर। लाइए ये परफ्यूम मुझे दे दीजिए, बहुत सही खुशबू है। मैं जान दिवित की बात कर रहा हूँ, और सनेम की भी बात कर रहा हूँ। सनेम को कभी देखा है आप लोगों ने? हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। इन सारी मुश्किलों की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ है, और कोई नहीं है। सब अच्छे से चल रहा था। मेरी मॉम? उसने झूठ बोला है, झूठी है वो। मेरी मॉम? क्या उन्होंने देखा था? मुझे कैसे पता? सुनो मैं एक बात बताऊं, अयहान के घर पर थी सैनम, मेरी बेटियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। हाँ हाँ, वो तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, अब वो बच्चे नहीं रहे, वो कुछ भी कर सकते हैं, देखना। हाँ वो बड़े हो गए हैं। अब चलो, तुम दोनों जाओ, मुझे आराम करना है, जाओ। मैफ की भी, प्लीज मेरी तरफ देखो। कहा ना जाओ। और वो कैसे? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, जाओ। मुझे वो समझ दिलाओ, जाओ यहाँ से, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, जाओ यहाँ से। अकेला छोड़ दो ने। उनका ना मूड ठीक नहीं है, कहीं वो हमें भी ना पीट दे, कोई भरोसा नहीं होता। सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, समझे तुम? मेरे बच्चे मुझसे झूठ नहीं बोलते, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करता, पर मुझे मदद नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, मैं सब कर लूंगी, मैं ठीक हूँ, मैं सब कर लूंगी।